हेलो एवरीवन, आप सभी का ईडोर में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आ गया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर, और ये जो है केमिस्ट्री क्लास 12th की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर है। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर कल 28 तारीख के एग्जाम में होने वाले में गर्दा गर्दा और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है छप के आने वाले, देखिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और छाप के आइएगा, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा के आइएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो है कि FeCO और Ni किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं। तो ये क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या है कि शुष्क बर्फ ठोस CO2 है, आणविक क्रिस्टल। ये देखिए सारे जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं वही आपके लिए लेके आ गया हूं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चाहते हैं कि आप कल होने वाले 28 तारीख के एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं और सबसे ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको छप के आने वाले सारे प्रश्न है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि CaCl की संरचना में CS की सामान्य संख्या कितनी है। तो CL के सामान्य अर्थात 8 है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना क्या है, तो क्या होता है, घनीय होता है। अब अगला जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na+ आयन घिरा हुआ है, किससे घिरा होता है, तो 6 Cl आयनों से। देखिए सारे वही क्वेश्चन है जो छाप के आने वाले। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, सीएल क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है, तो ये इसमें पाया जाता है फलक केंद्रिक धनकृति। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि एक परमाणिक पदार्थ के अंत में केंद्रित धनीय यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। देखिए सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समुच्च फलक समिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा होती है, तो 0.225। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्रिस्टल जालक में से एक धनायन एवं एक ऋणायन अनुपस्थिति होने पर उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, तो इससे कहते हैं सस्टिक्स दोष। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि CaCl में यदि CS+ की कोऑर्डिनेशन संख्या 8 हो तो Cl- आयन की कोऑर्डिनेशन संख्या होगी, तो -8 होगी, जैसा कि मैंने सारे आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका पार्ट 1 ही पूरे क्वेश्चन आंसर कराएंगे और जितने आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के मैं आपको छाप के लेके आ गया हूं और यही एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल जो होने वाला 28 तारीख के एग्जाम में छाप के आइए।